पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर में पंजाब पुलिस ने इनके घर से हिरासत में लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरोख हबीब के मुताबिक बुध की सुबह तकरीबन 6 बजे पुलिस ने फवाद चौधरी के घर से इनको गिरफ्तार किया है। फरोख हबीब ने ट्विटर पर एक बयान के साथ चंद वीडियोज भी बतौर सबूत पेश की, जिनमें इनके मुताबिक पुलिस की इन गाड़ियों को देखा जा सकता है जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद लेकर जा रही थी। दूसरी जानब फवाद चौधरी के भाई फैसल हुसैन ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि इनके भाई को बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में नामालूम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर लाहौर में घर से उठाया है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ओहदा संभालने के बाद लाहौर में एहतजाज किया था, जबकि गुज़िश्ता रात ही पीटीआई ने अपने कारकुनों को चेयरमैन इमरान खान की लाहौर के इलाके जमान पार्क में वाक़ रिहायशगाह पहुंचने की हिदायत की थी, जिसके बाद फवाद चौधरी भी कारकुनों के हमरा जमान पार्क पहुंचे थे। इस मौके पर फवाद चौधरी ने जोशीला खिताब किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आईं। पीटीआई के एहतजाज के तनाजर में मुल्क की मजमू सूरत हाल पर बहुत से लोगों ने अफसोस का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरोख हबीब ने बताया कि फवाद चौधरी को घर जाते हुए डिफेंस से गिरफ्तार किया गया। इन्हें ड्राइवर ने इतला दी तो DHA मोड़ से उन्होंने पुलिस गाड़ियों का पीछा किया और बरकत मार्केट के करीब गाड़ी आगे लगाकर रोकने की कोशिश की, मगर वो अकेले थे। पुलिस फवाद चौधरी को लेकर चली गई और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में एक बार फिर सियासी पारा हाई होने लगा है। निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी के ओहदा संभालने के बाद गुज़िश्ता रोज PTI की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात यानी मंगल और बुध की शब तहरीक इंसाफ के क़यादत ने कारकुनों को काल दी थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंचे, जिस पर PTI कारकुन बड़ी तादाद में जमान पार्क पहुंच गए। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर पुलिस का आला सतह इजलास मंगल की रात हुआ, जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। इसकी इतला हमें मौसूल हो चुकी थी, लिहाजा कारकुनों और रहनुमाओं को जमान पार पहुंचने की काल दी गई। इस दौरान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ फवाद चौधरी भी पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हालात संगीन हो जाएंगे, कारकुनों को हम भी काबू नहीं कर पाएंगे, मुल्क जाम होने का खदशा है, इसलिए इंतकामी कार्रवाइयों से गुरेज किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही यानी आज बुध को सुबह PTI रहनुमा फरोख हबीब और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम दिया गया कि फवाद चौधरी को उनके घर से बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने वीडियोस भी शेयर किए और दावा किया कि पुलिस उन्हें गाड़ियों में गिरफ्तार करके लेकर जा रही है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अभी तक पुलिस ने तस्दीक या तर्दीद नहीं की है। वाज़ह रहे कि साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने बयान में गुज़िश्ता रोज कहा था कि हुकूमत मनपसंद अफसरान को तानियात कर रही है ताकि PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। निगरान वजीर आला ने ओहदा संभालते ही IG पंजाब उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को तानियात किया, जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी तहफ़ुज़ात का इजहार किया था।